ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो उसकी डेफिनेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम है और उसकी डेफिनेशंस है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट के अंदर खास करके जो टर्मिनोलॉजीज आएंगे, जो जो वर्ड्स आएंगे वो आपके लिए नए हैं, ज्यादातर नए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी 1 to 5 सेमेस्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो खास करके जो नेटवर्क रिलेटेड जो वर्ड्स रहेंगे, नेटवर्क रिलेटेड जो कीवर्ड्स रहेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान देना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब्जेक्ट टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन वाला जो पार्ट है 4th चैप्टर में, उसमें सिर्फ एरर डिटेक्शन के न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब जो ऑलरेडी आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के जो मेथड्स है, साइक्लिक कोड है, पैरिटी कोड है, ठीक है, वो सब रहेगा। बाकी पूरा सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, पूरा थियरी है। इसके लिए आप अच्छे से कंसंट्रेशन से हमेशा बैठा करो। ठीक है, व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर। दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। ये जो हमारी शेयरिंग जो है वो लोकल भी हो सकती है या तो रिमोट भी हो सकती है, यानी कहीं पे दूर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी आप बॉम्बे में रहते हो तो बॉम्बे के बॉम्बे में आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या फेस टू फेस आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। रिमोट मतलब आप बॉम्बे में हो, आपका कोई दोस्त पुणे में है, तो रिमोट एरिया पर आपसे दूर है, तो आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, तो अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, रिमोट एरिया पे शेयर कर रहे हो। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये जो शेयरिंग जो है वो किसमें होती है, बिटवीन इंडिविजुअल्स। लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली ओकर्स फेस टू फेस, वाइल रिमोट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है, रिमोट कम्युनिकेशन मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है उसके साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको रिमोट कम्युनिकेशन कहते हैं। द टर्म टेली कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स टेलीफोनी, टेली कम्युनिकेशन जो वर्ड है जो आजकल यूज होता है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, टेलीफोनी, टेलीग्राफी, टेलीविजन, मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, टेली जो वर्ड है, ये टेली कम्युनिकेशन दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। टेली जो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फार, यानी दूर, जैसा टीवी है, तो टेलीविजन, टीवी का फुल फॉर्म क्या है, टेलीविजन। विजन मतलब क्या, देखना। टेलीविजन मतलब दूर का विजन, जैसा अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिया में बैठ के वो मैच को देख रहे हैं, तो वो क्या है, टेलीविजन है हमारे। तो उसी तरीके से टेली कम्युनिकेशन मतलब, टेली मतलब दूर और कम्युनिकेशन यानी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दूर अगर कोई है उसके साथ हम हमारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसके अंदर टेलीफोनी, टेलीग्राफी, टेलीविजन, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन इज कम फ्रॉम द टू वर्ड टेली एंड कम्युनिकेशन। टेली इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फार, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन आप समझ गए, टेली कम्युनिकेशन क्या है वो भी आप समझ गए। ठीक है, अब ये पहला जो वर्ड है डेटा या डाटा, बहुत सारे लोग उसको डाटा भी कहते हैं, डेटा भी कहते हैं, डेटा और डाटा, ओके, व्हाट एवर इट मे बी। द वर्ड डाटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन व्हाट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा। क्या बोल रहा है, द वर्ड डाटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन हम कौन से फॉर्म में शेयर करेंगे। ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में शेयर करेंगे, इमेज के फॉर्म में शेयर करेंगे, वीडियो के फॉर्म में शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शेयर करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म, ऑडियो के फॉर्म में, ऑडियो क्लिप के फॉर्म में शेयर करेंगे। द वर्ड डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वॉट एवर फॉर्म, ये क्या हो गया, फॉर्म हो गया, पिक्चर, वीडियो, इमेज, ऑडियो, ये उसके फॉर्म हो गए। इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, दोनों पार्टी किस पे एग्री होते हैं, वो बोलेंगे हाँ तू ऑडियो क्लिप भेज, वो बोलेगा नहीं तू वीडियो बना के भेज, वो बोलेगा नहीं तू टाइप करके भेज, टेक्स्ट कर। ठीक है, तो ये उसके अलग अलग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म हो गए। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक चीज की नॉलेज है तो मैंने उसको टाइप करके भेजा, या मैंने उसका वीडियो बना के भेज दिया, या मैंने उसका ऑडियो क्लिप भेज दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म हो गए डेटा के। इज एग्रीड अपॉन द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा, जो डेटा को क्रिएट करता है, जैसा मैंने एक वीडियो बनाया तो मैं उसका क्रिएटर हो गया और मैंने तुमको दे दिया तो तुम उसको यूज करेंगे,
ठीक है, तो एग्रीड अपॉन द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा, तुम उसके यूजर हो गए, मैं उसका क्रिएटर हो गया, तुमने कोई वीडियो बना के मुझे दिए तो आप क्रिएटर हो गए, मैं उसका यूजर हो गया, तो ये डेटा उस चीज को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। वो कोई भी फॉर्म में होता है और वो फॉर्म दोनों पार्टीज जिस फॉर्म के ऊपर एग्री होते हैं वो फॉर्म में वो डेटा एक पार्टी क्रिएट करती है, एक पार्टी उसको यूज करती है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, अब डेटा हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, अब डेटा कम्युनिकेशन दोनों मिलकर, डेटा कम्युनिकेशन आर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइस के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होता है वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो कोई ना कोई मीडियम होगा वहां पर ट्रांसमिट करने के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाने के लिए, चाहे वो वायर भी हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर केबल। एक सिंपल एग्जांपल उसने ले लिया कि भाई वायर केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू ऑकर द कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू ऑकर, डेटा कम्युनिकेशन जब भी हमको करना है तो जो डिवाइस जिन दोनों के बीच में हमको डेटा कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेटिंग डिवाइस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी जो दो डिवाइस के बीच में हमको कम्युनिकेशन कराना है वो दोनों डिवाइस में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के रिलेटेड चीजें होनी चाहिए जिसके जरिए से हम कम्युनिकेट कर सके। जैसा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हमको कनेक्ट करना है तो पोर्ट का स्लॉट होना चाहिए, पोर्ट का स्लॉट ही नहीं है तो केबल के साथ कनेक्ट करेंगे, इथरनेट केबल लगाना है तो इथरनेट का स्लॉट तो होना चाहिए ना डिवाइस में, नहीं तो इथरनेट कनेक्ट कहाँ करोगे तो? ठीक है, प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना है तो कैसा वीजीए केबल का स्लॉट चाहिए, मेल फीमेल, वो है स्लॉट ही नहीं है तो कहाँ से कनेक्ट करोगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, उसमें हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी मतलब फिजिकल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की भी जरूरत पड़ेगी। द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी डिवाइस या कोई भी डेटा कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छे से काम कैसा करेगा, ज्यादा इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, तो उसके ये उसके लिए ये चार कॉम्बिनेशन, चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, चार गुण जो है उसमें होने चाहिए, डिलीवरी, एक्यूरेसी, डिलीवरी एक्यूरेसी, टाइमलाइन टाइमलीनेस एंड जिटर, ये चार कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, अब डिलीवरी और एक्यूरेसी तो ठीक है आप लोग फेमिलियर होंगे, टाइमलीनेस एंड जिटर थोड़े नए वर्ड्स है तो उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना। पहली कैरेक्टरिस्टिक डिलीवरी, डिलीवरी किसको कहते हैं, क्या डिलीवरी होती है, डिलीवरी मतलब द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। जैसा अभी हम नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, पहले कम्युनिकेशन कैसा होता था आपने शायद देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे, पोस्ट कार्ड या कवर लिखते थे पोस्ट ऑफिस में, सामने वाले का एड्रेस डालते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते थे। ठीक है, तो एड्रेस बराबर रहेगा तो बराबर सही आदमी के पास जाएगा, एड्रेस गलत हो जाएगा, जैसा तीन कोई कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, ए बी सी तीन विंग है, अब आपने ए विंग के बदले बी विंग लिख दिया गलती से, रूम नंबर बराबर है, आदमी का नाम बराबर है, बाकी सब लैंडमार्क भी बराबर है, मगर आपने विंग जो है ए के बदले बी लिख दिया तो गलत जगह चला जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर मशीन टू मशीन जब कम्युनिकेशन होता है तो जहां से हम डेटा सेंड करते हैं तो जो डेस्टिनेशन पे हमको उसको पहुंचाना है, उस डेस्टिनेशन का उसको प्रॉपर एड्रेस हम देते हैं, तो वो बराबर वही प्रॉपर एड्रेस ढूंढ के वही मशीन पे जाना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं डिलीवरी, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर एंड ओनली बाय द डिवाइस और यूजर। ठीक है, डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय, डेटा उसी को रिसीव होना चाहिए, इंटेंडेड यानी जिसको हम भेजना चाहते थे, इंटेंडेड मतलब जिसको भेजने की मेरी नीयत थी, जिसको मैं भेजना चाहता था उसी डिवाइस और यूजर को, और वही पर्टिकुलर ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर, और वही पर्टिकुलर डिवाइस और यूजर को जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिलीवरी के भाई डेटा मस्ट बी डिलीवर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, जिसको मैं भेजना चाहता था वहां पर जाना चाहिए। एक्यूरेसी, द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली, सिस्टम जो है वो डेटा डिलीवर तो कर रहा है, उसी को कर रहा है जिसको हम भेजना चाह रहे थे, साथ साथ में डेटा क्या रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए। डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन द ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट
करेक्टेड आर अनयूजेबल, ठीक है। अगर मान लो ट्रांसमिशन में जो डेटा जो है वो आपका क्या हो गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया, बाइनरी में डेटा है, एक भी वन का जीरो या जीरो का वन हो गया तो उसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इनकरेक्ट डेटा, एरर वाला डेटा अगर पहुंचेगा तो सामने वाले के लिए वो डेटा कोई भी यूजफुल नहीं रहेगा। तो इसके लिए द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली, डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड। मान लो ट्रांसमिशन में एरर तो आएगा ही, मगर उस एरर को निकाले बगैर अनकरेक्टेड डेटा जो है, एरर वाला डेटा जो है वो आपने सामने वाले को पहुंचा दिया, तो उसके लिए वो डेटा कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए डेटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, पहले तो एरर ना आए, और अगर एरर आ गया तो उसको डिटेक्ट करके, करेक्ट करके सामने वाले को हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। थर्ड डेफिनेशन, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर, ठीक है, टाइमली मैनर में डेटा वो सिस्टम जो पहुंचाना चाहिए। टाइमली मैनर क्या होता है तो आगे उसको और एक्सप्लेन कर रहा है, डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस। टाइमलीनेस मतलब जो टाइम पे डेटा पहुंचना चाहिए वही टाइम पे डेटा सामने वाले को पहुंच डिलीवर होना चाहिए। अगर उस टाइम के बाद वो डेटा उसके पास पहुंचा तो वो डेटा उसके लिए क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल, अभी कोई भी जगह पे आपको लॉग इन करना है या कोई भी चीज अपडेट करना है, खास करके बैंक है या आपका आधार कार्ड है, तो ओटीपी आता है। क्या आता है, ओटीपी आता है। अब ओटीपी में देखो टाइमर रहता है, 2 मिनट तक ये ओटीपी वैलिड है, आधार कार्ड में आधे घंटे तक ये ओटीपी वैलिड है। अभी बैंकिंग में ज्यादातर टाइम कम रहता है क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। मान लो 2 मिनट का टाइम में ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तो ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 मिनट के बाद ओटीपी आया तो वो ओटीपी आपके लिए क्या है, यूजलेस। वो ओटीपी आपके लिए क्या है, यूजलेस। मतलब वहां पर टाइमलीनेस जो है उसमें सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। टाइमलीनेस मतलब विद इन 2 मिनट तक ये ओटीपी वैलिड है तो 2 मिनट के अंदर अंदर तक वो ओटीपी आना चाहिए। तो केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, टाइमली डिलीवरी मींस डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस्ड एंड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम ट्रांसमिशन। यहाँ पर उसने उसका एक दूसरा एक एग्जांपल दिया है कि भाई खास करके ऑडियो और वीडियो की यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां पर टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस, यानी जो टाइम पे जो डेटा प्रोड्यूस हुआ है वो वही डेटा वही टाइम पे क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए डेस्टिनेशन पर, ठीक है। जैसा भी कोई क्रिकेट मैच हो रही है लाइव हम देख रहे हो, ठीक है, तो मान लो वीडियो और ऑडियो जो टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है वही टाइम पर ऑडियो और वीडियो यहाँ पर रिसीवर पे, टीवी रिसीवर पे रिप्रोड्यूस होना चाहिए। जैसा एक बॉल पे उसने चौका मारा तो वो हमको दिखना भी चाहिए और कमेंट्री भी वही सुनने में आनी चाहिए। दूसरी बॉल पे वो बोल्ड हो गया, अब मान लो आगे पीछे हो गया, वीडियो चल रहा है चौका ही मारने का और ऑडियो आगे चला गया, ठीक है, ऑडियो बोल्ड का बता रहा है, तो ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो रियल टाइम में तो ये बहुत मायने रखता है टाइमलीनेस का फैक्टर, जिसने वहां पर उसने एक एग्जाम्पल लेकर बताया कि भाई इन इन दिस केस, इन द केस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड। डेटा डिलीवर करना है हमको कैसा, जैसा वो प्रोड्यूस हुआ था, इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस, जो ऑर्डर में वो प्रोड्यूस हुआ था वही ऑर्डर में हमको करना है विदाउट सिग्निफिकेंट डिले। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज रियल टाइम ट्रांसमिशन। जिटर, जिटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। अभी जो पूरा डेटा जो है वो एक साथ ट्रांसमिट नहीं होता है, पूरा डेटा जो है वो एक साथ ट्रांसमिट नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स उसके बनाते हैं और फिर उस पैकेट्स को हम सब पैकेट्स को सेम डेस्टिनेशन का एड्रेस देते हैं, सबको एक ही जगह पे जाना है, तो अब कोई पैकेट जो है वो जल्दी आ जाएगा, कोई पैकेट जो है वो आने में उसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते रहते हैं। अब उसमें शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है जिसमें कंजेशन नहीं है, जल्दी पहुंचा देगा, वैसा रास्ता कौन सा है, फिर जहाँ कंजेशन वाला रास्ता जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो कंजेशन वाला है, तो लॉन्ग रूट वाला अल्टरनेट रास्ता कौन सा है, तो वो पैकेट सब डिसाइड करके पहुंचता है। तो हर पैकेट जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पर पहुंचे, एक डेटा है, ठीक है, उसको हम एक साथ नहीं भेजते, उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उस पैकेट्स को हम भेजते हैं। अब पैकेट क्या होता है वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अभी फिर फिलहाल इतना समझो कि एक कंप्लीट डेटा जो है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है और पैकेट्स हम नेटवर्क में सेंड करते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो हर पैकेट जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेगा ऐसा जरूरी
नहीं है। तो डेस्टिनेशन पे वो क्या होता है, पैकेट्स की सीक्वेंस को वापस से हम अरेंज करते हैं। मान लो पहला पैकेट सबसे लास्ट में पहुंचा और लास्ट वाला पैकेट पहले पहुंच गया, तो लास्ट वाला पैकेट पहले पहुंच गया मतलब वो लास्ट वाला पैकेट पहले वहां पर स्क्रीन पे दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। सब पैकेट रिसीव होंगे, उसकी अरेंज होगी जैसा वो सोर्स के पास जैसा उसका सीक्वेंस था वैसा उसको अरेंज करेंगे, और फिर उसको वो डिवाइडेड जो डेटा है पैकेट्स के अंदर उन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट डेटा वापस से बनेगा। समझ में आ रही बात? तो जिटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम, इट इज द अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स। ऑडियो और वीडियो के इसमें खास करके क्या होता है, अनइवन डिले रहता है। वीडियो के पैकेट ज्यादा बड़े रहेंगे क्योंकि उसकी साइज ज्यादा रहती है, ऑडियो पैक के पैकेट्स की साइज छोटी रहती है तो वो जल्दी भी पहुंच जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट द वीडियो पैकेट्स आर सेंट एवरी 30 मिलीसेकंड। एक एग्जाम्पल देकर हमको वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अज्यूम करो कि भाई वीडियो का पैकेट जो है वो हमको कब भेजना है, एवरी 30 मिलीसेकंड पे भेजना है। इफ सम ऑफ द पैकेट्स अराइव विद 30 मिलीसेकंड डिले एंड अदर विद 40 मिलीसेकंड डिले, एंड अनइवन क्वालिटी इन द वीडियो इज द रिजल्ट। अगर मान लो एवरी 30 मिलीसेकंड पे पैकेट जाना चाहिए था, पहला पैकेट आया बराबर 30 मिलीसेकंड पे आया, दूसरा जो है वो 40 मिलीसेकंड पर आया, 10 मिलीसेकंड का क्या हो गया, डिले हो गया। तो डिले की वजह से क्या होगा, वीडियो की जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन द वीडियो इज द रिजल्ट, वीडियो की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कभी कभी देखो बैड वेदर होता है, या बैड वेदर नहीं भी होता, दूसरे टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारा जो स्मार्ट टीवी है उसका वीडियो थोड़ा बराबर नहीं आता, छोटे छोटे स्क्वायर दिखेंगे या ग्रीन शेड दिखेगा हमको। ठीक है, और खास करके जब हम कोई हेवी फाइल्स जो है, जैसा कोई आप मूवी देख रहे हो 2 GB 3 GB की हेवी फाइल्स है वो मूवी की, और अगर आप बीच में उसको पॉज करते हो VLC प्लेयर में और 1 मिनट या 2 मिनट के डिले के बाद आप चलाते हो तो हल्का सा चलेगा, फिर थोड़ा सा वो उसका पिक्चर जो है वो थोड़ा क्या जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो वहां पे भी ऐसे ही होता है कि प्रोसेसिंग में डिले जो है, प्रोसेसिंग में वहां पर पैकेट्स का क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये अनइवन, एक के बाद एक कंटिन्यू जो आना चाहिए था जो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वो फ्रिक्वेंसी पे नहीं आने की वजह से क्या होता है, वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये उसने एक एग्जांपल दिया है वीडियो के फॉर्म में ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली डिलीवरी, सेकेंड एक्यूरेसी, थर्ड टाइमलीनेस, चौथा जिटर। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैव 5 कंपोनेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम में इन जनरल एकदम बेसिक लेवल के ऊपर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई डेटा कम्युनिकेशन के ब्लॉक्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 5। ट्रांसमीटर, रिसीवर, मीडियम। ठीक है, ये तो कॉमन है, ट्रांसमीटर रिसीवर तो होगा, दो डिवाइस के बीच में एक ट्रांसमीटर रहेगा एक रिसीवर रहेगा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए मीडियम होगा चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। ठीक है, मैसेज, जो मैसेज आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजना चाह रहे हो कोई भी फॉर्म में, वो मैसेज ऑडियो वीडियो इमेज जो भी। प्रोटोकॉल, 5वां क्या है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका डायग्राम नीचे दिया हुआ है और हर एक का मीनिंग दिया हुआ है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब देखो इसमें 5 कंपोनेंट बराबर दिखते हैं कि नहीं। ठीक है, 5 कंपोनेंट, ये ट्रांसमीटर यानी सेंडर, रिसीवर, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम, ये 3 कंपोनेंट हो गए, मैसेज ये 4 हो गया और ये प्रोटोकॉल 5 हो गया। अब यहाँ पे भी प्रोटोकॉल लिखा है, यहाँ पे भी प्रोटोकॉल लिखा है, मतलब ट्रांसमीटर के पास जो प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल किसके पास होना चाहिए, रिसीवर के पास होना चाहिए। आइए उसको वर्ड एक के बाद एक देखते हैं। मैसेज, व्हाट इज मैसेज, मैसेज क्या होता है, तो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, या यू कैन से दैट डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज मतलब वो चीज, वो मालूमात, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो या दूसरों को भेज रहे हो, टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ये कोई भी फॉर्म में मैसेज हो सकता है। सेकेंड, सेंडर, द सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। सेंडर वो डिवाइस है जो ये मैसेज को सेंड करेगा, ये डेटा को सेंड करेगा। इट कैन बी कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो डेटा को सेंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे, और वो डेटा क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर मैसेज रहेगा। रिसीवर, ठीक है, रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज,
वो डिवाइस जो अभी फिलहाल मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो भी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, ठीक है, हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वीडियो कैमरा सेंडर में था, वीडियो कैमरा रिसीवर में नहीं है, क्योंकि वीडियो कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, उससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। उसका आउटपुट डिवाइस क्या है, टेलीविजन, जो हम शूट करेंगे वो हमने भेजा तो वो हम टीवी की स्क्रीन के ऊपर हम उस चीज को देख सकते हैं। तो समझ में आ रही है? तो रिसीवर और सेंडर के जो एग्जाम्पल से उसके ऊपर जरा ध्यान दो, ठीक है। टेलीफोन क्या है, टेलीफोन में हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है, दोनों काम एक साथ होता है। कंप्यूटर में भी वही है, वर्क स्टेशन में भी वही है, एक ही डिवाइस दोनों काम कर सकते हैं, मगर वीडियो कैमरा और टेलीफोन अलग अलग है। हैंडसेट भी ऐसा ही है, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों रहता है, माइक्रोफोन स्पीकर, तो रिसीवर तीन हो गया। चौथा ट्रांसमिशन मीडियम, ये ट्रांसमिशन मीडियम, द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच द मैसेज ट्रैवल, ये फिजिकल पाथ है। देखो डार्क कलर की लाइन दिख रही है ना, वो क्या है, हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसके जरिए से हमारा मैसेज ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इंक्लूड, ट्विस्टेड पेयर वायर होगा, कोएक्सियल केबल होगा, या फाइबर ऑप्टिक केबल होगा, या तो वायरलेस रहेगा तो रेडियो वेव्स रहेगा, तो ये चार में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटोकॉल, ये चीज जो है वो नहीं है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, यानी इंस्ट्रक्शन है कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। तो जो प्रोटोकॉल सेंडर साइड में होगा वही सेम प्रोटोकॉल रिसीवर साइड में भी यूज होगा। इट रिप्रेजेंट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस विदाउट अ प्रोटोकॉल। अगर मान लो प्रोटोकॉल नहीं रहा तो क्या होगा, प्रोटोकॉल की जरूरत क्या है, तो विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हो जाएंगे मगर वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो लोग आपस में डेटा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली जापानीज, ठीक है। जैसा एक जापानीज इंसान है और एक फ्रेंच इंसान है, तो फ्रेंच वाला फ्रेंच में बात करेगा और जापानीज वाला जो इंसान है उसको फ्रेंच नहीं आती तो उसको कुछ भी समझ में नहीं हो जाए, नहीं आएगा। हालांकि दोनों सामने सामने बैठे हैं, फिजिकली फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मगर फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर प्रोटोकॉल नहीं रहा तो दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हो जाएगी मगर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वापस से उसकी लाइन को देखो, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, बेसिकली वो एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न्स करता है, वो डेटा कम्युनिकेशन को रूल करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जो सेट ऑफ रूल्स जो है वो दोनों डिवाइसेस एग्री करती है कि हाँ भाई ये डिवाइस, जैसा भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले जो आता था उसमें क्या रहते थे, जो 2000 विंडोज ऑफिस 2007 वगैरह जो था उसमें कैसा प्रॉब्लम था कि भाई जो 2003 की फाइल रहेगी वो 2007 में ओपन नहीं होती। 2003 विंडोज ऑफिस 2003 की जो फाइल है वो 2007 में ओपन नहीं होती थी, और 2003 की फाइल के लिए फिर 2003 का ही ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए तो ही वो ओपन होगा। मगर अभी ऐसा नहीं है, अभी विंडोज 10 आ गया, उसके बाद तो बहुत सारे ऑफिस आए, अभी ऑफिस 10 जो है, या बहुत सारे ऑफिस आ गए, मगर ऑफिस 10 जो है उसमें कैसा है, 2000 ऑफिस 2003 की हो, 7 की हो, या कोई और, सब फाइल जो है वो क्या हो जाती है, कॉम्पेटिबल हो जाती है, ठीक है, ओपन हो जाती है, हम हमारा डेटा जो है वो इजिली रिट्राइव कर सकते हैं। तो दोनों का जो प्रोटोकॉल है वो उस हिसाब से क्या किया है उन्होंने, डिजाइन किया है कि जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, डेटा रिट्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोटोकॉल बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन, तो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, गवर्न करता है मतलब चलाता है, गवर्नमेंट है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया को चलाती है, तो उस तरीके से प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को क्या करता है, गवर्न करता है, चलाता है, उसको रेगुलेट करता है। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, वो प्रोटोकॉल जो है ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हाँ मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो तेरे पास है कि नहीं है, तभी मेरा डेटा दिखेगा। मैं पीडीएफ में भेज रहा हूँ और यहाँ पे पीडीएफ है ही नहीं, मैं ऑफिस में भेज रहा हूँ यहाँ पर ऑफिस है ही नहीं, मैं कोई और जैसा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में मैं भेज रहा हूँ, जैसा प्रोटीस सॉफ्टवेयर में भेज रहा हूँ, मेरे पास प्रोटीस नहीं है, नेटसिम है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो दोनों के पास सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके ऊपर दोनों डिवाइस जो है वो क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं, हाँ वी एग्री, तो उसके बाद ही वो
जाएगा। ठीक है, तो ये पांच एलिमेंट्स है, पांच कंपोनेंट्स है, किसके? कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन डेटा कम्युनिकेशन? तो देर आर फाइव कंपोनेंट्स इन डेटा कम्युनिकेशन: ट्रांसमीटर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। मैसेज इज बेसिकली योर डेटा विच यू आर गोइंग टू शेयर या एक्सचेंज। सेंडर इज द डिवाइस विच सेंड्स द डेटा। रिसीवर इज द डिवाइस विच रिसीव द डेटा। ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज विल ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक एंड इन केस ऑफ वायरलेस रेडियो वेव्स। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। इट इंडिकेट्स द एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। विदाउट प्रोटोकॉल व्हाट विल हैपन? द डिवाइस इज कनेक्टेड बट कैन नॉट कम्युनिकेट। द डिवाइस कैन कनेक्टेड बट कैन नॉट कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और उसका ब्लॉक डायग्राम था। ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, या यू कैन से दैट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। डिलीवरी मतलब करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, एक्यूरेसी मतलब एरर निकाल, एरर आ गया तो एरर को करेक्ट करके भेजना चाहिए, टाइमलीनेस मतलब जो टाइम पे पहुंचना चाहिए वो टाइम पर बराबर आना चाहिए, और जिटर मतलब पैकेट अराइवल का जो सीक्वेंस है वो सेम इंटरवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने देखे। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड्स। थर्ड टॉपिक जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये भी आज दोपहर में अपना सेशन है, ठीक है, 2 बजे से है, 2 से 4, तो तकरीबन 2:15 बजे लेक्चर रहेगा अपना, 2:15 से 3:15, 3:30 जो भी है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये स्टैंडर्ड वाला टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी यहां तक जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।